मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड. दिस इज़ द वीडियो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज़ योर बुक इंग्लिश ग्रामर वैली पार्ट टू. और जैसा कि पार्ट टू से ही समझ में आता है, ये आपके सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं. तो चलिए इसके आगे के हम न्यू लेसन पे आते हैं और एक्सरसाइज को कम्प्लीट करते हैं. कम एट द लेसन. दिस इज़ योर सेवेंथ लेसन, नाउन जेंडर. आप नाउन्स के बारे में कई चीज़ पढ़ चुके हैं, सिंगुलर, प्लूरल एंड एक्सेट्रा. नाउ वी डिस्कस अबाउट द जेंडर. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेल और फीमेल. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो दो रूपों में होती हैं, या वो मेल होंगी या तो फीमेल में, या तो वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग. इट मीन्स या तो लड़का में होगा या लड़कियों में. नेमिंग वर्ड्स फॉर मेल्स आर कॉल्ड नाउन ऑफ मस्कुलिन जेंडर. कोई भी वो संज्ञा के शब्द, कोई भी नाउन वाले वर्ड्स जो कि पुरुष जाति को दिखाते हैं, वो सारे मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, यानी पुरुषवाचक नाउन, या इसको हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं. लुक एट द पिक्चर. बॉय, मैन, ब्रदर, किंग, एक्टर, लॉयन, हॉर्स, टाइगर, कॉक, पीकॉक. ऑल दीज थिंग्स आर पिक्चर्स आर शोइंग मस्कुलर जेंडर. कम एट द सेकेंड ग्रीन स्ट्रिप. नेमिंग वर्ड्स फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड नाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर. वो सारे नेमिंग वर्ड्स जो कि फीमेल्स को शो करते हैं, उनको नाउन्स में फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. कम एट द बिलो पिक्चर्स. गर्ल, वुमेन, सिस्टर, क्वीन, एक्ट्रेस, लाइनेस, मेयर, टाइग्रेस, हैन, पी हैन. ऑल दीज पिक्चर्स आर शोइंग फेमिनिन जेंडर. कम एट द पेज नंबर 28. This students, please use your phone to hear and understand properly and betterly. Come at the page number 28. Here are some examples of masculine and feminine gender. यहाँ पे देखिए कुछ नाम दिए हैं जिसमें ऊपर masculine दिया है, यानी वो boys या पुरुष वाले हैं, और feminine यानी वो स्त्रीलिंग है. Bull है वो, अगर आप समझ सकते हैं बुल है तो, और बुल का अपोजिट जो होगा फेमिनिन वो होगा काउ. फादर यानी पिता. मदर, फेमिनिन में मदर. जेंटलमैन, एक अच्छा व्यक्ति, जेंटलमैन. लेडी. हॉर्स, घोड़ा. मेयर, घोड़ी. हस्बैंड, पति. वाइफ, पत्नी. लायन, शेर. लायनेस, शेरनी. मैन, आदमी. वुमेन, औरत. नेफ्यू, भतीजा. नीस, भतीजी. कॉक, मुर्गा. हैन, मुर्गी. सन, बेटा. डॉटर, बेटी. लाइक दिस देयर इज ऑल्सो सेकेंड स्ट्रिप. पीकॉक, पीहन. टाइगर, टाइग्रेस. ब्रदर, सिस्टर. अंकल, आंट. एक्टर, एक्ट्रेस. होस्ट, होस्टेस. पोएट, पोएटस. प्रिंस, प्रिंसेस. किंग, क्वीन. एंड लैंडलॉर्ड. एंड लास्टली लैंडलेडी. सो इसे आप देख सकते हैं फेमिनिन और मस्कुलिन में क्या फ़र्क होते हैं. कमेंट द एक्सरसाइज एंड कमेंट द ए. मेल और फीमेल, आपको यहाँ पे बताना है कौन मेल है और कौन फीमेल है. राइट द जेंडर ऑफ ईच नाउन. यहाँ पे कुछ नाउन्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से मेल हैं और कौन से फीमेल. एट दिस फर्स्ट. मदर, फीमेल. अंकल, मेल. पीहन, फीमेल. प्रिंसेस, फीमेल. आंट, फीमेल. गर्ल, फीमेल. ब्रदर, मेल. प्रिंस, मेल. एक्टर, मेल. किंग, मेल. क्वीन, फीमेल. एंड लास्ट सन, मेल. तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली लिख देना है. मैंने सिर्फ पहला इसमें लेटर लिखा है. कम एट द बी. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द नाउन इन कलर फ्रॉम मस्कुलिन टू फेमिनिन. यहाँ पर सेंटेंसेस दे रखे हैं. यहाँ पे आप जो आपका जो भी जेंडर है उसको आपको चेंज करके दूसरे जेंडर में लाना है. तो इन द फर्स्ट लाइन देयर इज लाइन, सो यू हैव टू राइट लाइनस. टाइगर, you have read to tigress. At the second sentence, father, mother, and brother will change sister. Three, king, and you will be right there, queen. Prince, and you will change the name princess. Number four, uncle, you should be right, auntie. And इसके बाद जो इसके gender है उनको change करके बाकी पूरी की पूरी sentence आपको यूं ही लिख देनी है. तो okay, next वीडियो के लिए, लेसन के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.